Okay, everyone. Good morning and you are welcome. Learn English with Global English Center, Sirghati. तो अभी हम लोग जो हर क्लास में सीख रहे हैं वो कैसे हम लोग न्यू वर्ड बना सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि स्पोकन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है वर्ड मीनिंग का। जितना ज्यादा वर्ड मीनिंग रहेगी उतना अच्छा आप इंग्लिश बोलिएगा। तो अभी हम लोग हर क्लास में बिना याद किए आपको 4-5 हजार 10 हजार वर्ड ऐसे ही याद हो जाएगा। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया V3 प्लस, मैंने क्या बताया V3 प्लस फर्स्ट बोलो, दूसरा में क्या बताया V प्लस ए वर्ड, उससे कम से कम 2-3 हजार वर्ड तैयार हो जाएगा। आराम से आप जाइए वर्ड तैयार कीजिए और इंग्लिश अपने आप आपको आ जाएगा। वर्ड रहेगा मुंह से निकलना ही निकलना, फर्स्ट टाइम कहा जब वर्ड नहीं रहता है तो। अब देखो मैंने जैसे बताया यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा डीप वाटर, मैंने क्या लिखा डीप का भार होता है या फिर गहरा, भर या गहरा, देखो कितना आसान इंग्लिश है। अब जैसे मान लो कि हम लोग पानी में जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कमर भर पानी है, बोलो बोलते हो कि नहीं बोलते हो, फर्स्ट बोले कमर भर पानी है, गर्दन भर पानी है, या फिर हम लोग बोलते हैं मुंह भर पानी है, नाक भर पानी है, यहां तक पानी है, माथा भर पानी है, ये डूबने भर पानी है, बोलो यस या नो। अब बोलो कमर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या सीना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोले कमर को इंग्लिश बोलते हैं वेस्ट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते कमर को वेस्ट। अब कुछ ना करना इसे आगे लगा दो, अब जो पार्ट हो अब बोलो कमर भर क्या होगा वेस्ट डीप वाटर, चलो फर्स्ट बोलो, फर्स्ट बोलो, अब बोलो ठेंगना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं नी, अब बोलो ठेंगना भर पानी नी डीप वाटर, चलो फर्स्ट बोले बोलो याद किया वर्ड देखो बनना चालू हो गया। आप बोलो सीना को इंग्लिश में क्या बोलते हो, आप बोलो सीना भर पानी चेस्ट डीप वाटर, चलो फर्स्ट बोलो, चलो गर्दन भर पानी नेक डीप वाटर, चलो मुंह भर पानी माउथ डीप वाटर, चलो नाक भर पानी नोज डीप वाटर, माथा को इंग्लिश में क्या बोलते हो फोरहेड, क्या बोलते हो आप बोलो माथा भर पानी फोरहेड डीप वाटर, फर्स्ट बोलो। लेकिन अगर पानी सर से ज्यादा हो गया तो ज्यादा को इंग्लिश क्या बोलते हो ओवर, ज्यादा को इंग्लिश क्या बोलते हो, चलो आप बोलो डूबे भर पानी ओवर डीप वाटर, अब बोलो डूबे भर पानी, फर्स्ट बोलो, फर्स्ट बोलो। अब ये हो गया हम लोग बॉडी टाइप, बॉडी से अपना पोजीशन बताया पानी का, लेकिन कभी कभी पानी का पोजीशन हम लोग फीट से भी बताते हैं, बोलते हैं ना कि 5 फीट पानी है, 10 फीट पानी है, 20 फीट पानी है, 100 फीट पानी है, बोलते नहीं बोलते हो, तो इसके आगे सिर्फ फीट लगा देना। हाँ जैसे बोलो 10 फीट वाटर है, बोलो 10 फीट डीप वाटर, 10 फीट डीप वाटर, चलो आप बोलो 20 फीट पानी है, फर्स्ट बोलो 20 फीट डीप डीप वाटर, अब 100 फीट पानी है। अब आपको क्या करना है इसको सेंटेंस में चेंज करना, किस पे सेंटेंस करना है सेंटेंस में, आप बोलो ठेंगना भर पानी है देयर इज, फर्स्ट बोलो देयर इज नी डीप वाटर, अब बोलो ठेंगना भर पानी है, अब बोलो सीना भर पानी है देयर इज चेस्ट डीप वाटर, अब लगा दे रिवर में तो इन द रिवर, तालाब में इन द पॉन्ड, अब बोलो गर्दन भर पानी है, अब बोलो स्विमिंग पूल में गर्दन भर पानी है, देयर इज नीड डीप वाटर इन द स्विमिंग पूल, चलो फर्स्ट बोलो तैयार हो रहा वर्ड, आपको ये सब वर्ड याद करने की जरूरत है। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारा हम ट्रिक बताएंगे, बहुत सारा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको 4,000-5,000 वर्ड ऐसे ही तैयार हो जाएगा। घर पे जाइए, नहीं होता फर्स्ट क्लास का वीडियो देखिए, सेकंड क्लास का वीडियो देखिए, थर्ड क्लास का वीडियो देखिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सीखने में मदद मिले। ओके थैंक यू, राइट डाउन।